प्रदेश में राज्य मंत्री जोत सिंह गुनसोला और संजय पालीवाल ने मसूरी के झूलाघर में एकत्रित होकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य में आई सियासी भूचाल के बाद अब प्रदेश के राज्य मंत्री जोत सिंह गुनसोला और संजय पालीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 28 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित कर बीजेपी को करारा जवाब देंगे। उत्तराखंड की शांतवादियों में जो है इस तरह का हवाला दे दिया है, ये जनता यहाँ की न माफ करने को तैयार है, बीजेपी माफ को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरुणाचल में तो इन्होंने करके दिखाया। विधायकों की खरीद फरोख्त की, वहाँ अच्छी खासी सरकार चल रही थी, उस सरकार को जो है धराशायी किया, और यही कुकृत जो है बीजेपी का इस उत्तराखंड में भी जो है देखने को मिला। जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी ने और शाह ने मिलकर यहाँ घिनौना काम किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा घबरा गई थी। हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही थी वो बहुत तेजी से विकास कर रही थी, और भाजपा को लगने लगा था कि 2017 में हमारी सरकार नहीं आएगी। इस तरह उन्होंने धनबल का और सत्ता बल का प्रयोग कर यहाँ जो सरकार गिराने का प्रयत्न रचा, अपने बलबूते से, धन बल से और छल कपट से उसको विध्वंस करना चाहती है, उसको समाप्त करना चाहती है। तो जनता सब जानती है, भली बात ही, जनता का विश्वास लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई सरकार के साथ है, इसलिए आज जो है बीजेपी का पुतला फूंक गया। बीजेपी की भाषा और कथनी करने में क्या है, ये आपने मणिपुर में भी देखा, और आज उसी तरह की भाषा को ये उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। विजय भवना जी को खुद हानि पहुंची है, कार्यकर्ता को हानि नहीं पहुंची, और कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर जाता है। तो उसका उदाहरण जो है विजय भवना जी हैं कि उनको कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको बिना निर्वाचित हुए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मुखिया बनाया, और आज वो यहाँ से गए तो बहुत शर्म की बात है।